कहना यह है साहब कि मारे कूड़ा के नाली कसी है, 8 महीना होएगा यहाँ दर्शन नहीं दिन, कई बार उनसे कहा भीगा मिले तब पहलवान जगमोहन प्रधान के मिले तब कि भैया ये नाली साफ करवा दो, मगर कोई सुनवाई नहीं भय जे मिले थे तीसरे यही कहते हैं बद्री योजना साफ होगी, और आज तक दर्शन नहीं दिन हमारे मुहारे सामने पूरी नाली कसी हुआ पार हानी है, पानी नहीं निकल रहा है, नाप दान का पानी बंद है, काल हम हाथ डायक अपने बूते गन्ना डंडा से नाली साफ की है तब वो पानी नहीं निकला, प्रधान से कहा गया तब वो कहें कि हाँ बस आज फोन कह दे भाई सफाई कही जाए घबरावना काम हो जाए यही बताओ था। कीड़ा निकलते हैं जानवर भी निकलते हैं, तो अगर अंगना में घर में रेंग जाते हैं खाना तो पानी में सब चढ़ जाते हैं, बच्चे लोग खाना का बीमार हो जाते हैं, दवा कराओ डॉक्टर के घर ले जाओ, बदबू आवत है साहब खाना पानी खाओ हजम नहीं हुआ, लड़के बच्चे हर घड़ी लिए डॉक्टर के बैठ रहो, दवाई करो अपना करो। जनपद श्रावस्ती गिलोला ब्लॉक के चिचड़ी गांव में एक वर्ष से साफ सफाई नहीं हो रही थी, जिसका हमने एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को संगठित व जागरूक करते हुए उस वीडियो पर बदलाव ला पाया। मैं रईस अहमद और ये मेरा समुदाय। समस्या थी ये कि हमारे गांव में 7-8 महीना होगा गांव सफाई नहीं भे रही, तो हम लोग जब रईस भाई आए तो वो बताएं कि हम सोशल मीडिया वाले हैं, एक बार वीडियो से फोन मिला एक हमारे बात भी करवाएं कि देखो हम खैरा कलक है जनता बोली थे हमारे यहाँ ये चीज़ की समस्या है। अब जब नए प्रधान जी बने तब उनसे हम लोग कहा कि प्रधान जी गांव साफ सफाई करावा जाए, तो वह सफाई कर्मी के हैं बलाए बताइन और गांव पूरा सब साफ करवाए दिन। साफ सफाई साहब होती है ढंग से होती है, और वीडियो कैमरा एक साहब लेके गया रहा बनाए के हैं और के प्रधान के जरिया से उनके जरिया से साफ सफाई होते है ढंग से होते है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ और समुदाय के सहयोग से बदलाव लाता रहूं। मैं रईस अहमद उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती इंडिया अनहार्ड के लिए।